Hello students, welcome back to my YouTube channel Economics. So हमारा lecture third है आज GDP के बारे में, right? मैंने आपसे कहा था कि पांच lectures में cover करेंगे. तो आज का topic क्या है? आज का topic जो हम पढ़ने वाले हैं, that is GDP deflator. ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? GDP deflator. ठीक है, इसको एक example से समझाता हूँ. रियल और नॉमिनल जीडीपी आप समझ गए, जिसमें आपने ये पढ़ा कि जो रियल जीडीपी है वो इकोनॉमी की रियल ग्रोथ को शो करता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी क्योंकि इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करता तो वो रियल ग्रोथ शो नहीं कर पाता. ठीक है, अब इनके बीच में एक नए कॉन्सेप्ट की एंट्री होती है जो कि जीडीपी डिफ्लेटर, जो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करता है कि हमें नॉमिनल जीडीपी देखना चाहिए या फिर रियल जीडीपी देखना चाहिए. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ. सपोजिटली के मान लो कोई एक पर्सन है, कोई भी एक पर्सन है, उसकी हाइट 5.5 इंचेस है. ठीक है, उसने क्या किया, एक एग्जांपल लेके समझना बस उसको. मान लो उसने क्या किया, उसने अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए तीन इंच की हील पहन ली. ठीक है, वो तीन इंच की हील अगर वो पहन लेगा या वो लेगी, ठीक है, तो क्या उसकी रियल हाइट बढ़ी? क्या आप सोच के देखो, क्या उसकी रियल हाइट बढ़ी? नहीं, ऑफकोर्स वो तो तीन इंच की एक्स्ट्रा हील है ना. सो सेम विद आवर नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी प्राइस को भी इंक्लूड कर देता है. तो नॉमिनल जीडीपी आप कह सकते हो उस एक्स्ट्रा हील की तरह है जो बिना आउटपुट के बढ़े भी आपकी इकोनॉमी को बढ़ा हुआ शो कर सकता है ना. क्योंकि रियल में उस पर्सन की हाइट तो बढ़ी नहीं, वो तो तीन इंच एक्स्ट्रा हील दे जिसने शो किया कि वो बंदा लंबा हो गया. जीडीपी डिफ्लेटर हमारा एक वही टूल है जो कि ये जो एक्स्ट्रा 3 इंच का हील हमने ऐड किया है ना अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ का शो करने के लिए, ग्रोथ को शो करने के लिए, ये उसी चीज को एलिमिनेट करने में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी. सो लेट अस बिगिन विद द टुडेस लेक्चर. हाँ जी, मैंने आपसे अभी समझाया जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो वो तो एक आपको हिंट देने के लिए एक रफ आइडिया था कि जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है. अब हम एक प्रॉपर डेफिनेशन और एक प्रॉपर केस स्टडी के साथ गो थ्रू करते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर है क्या और ये कैसे एक इकोनॉमी से यूज करती है ताकि वो अपने नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर सके और रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्ट कर सके. ठीक है, तो देखो हमने क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा है द जीडीपी डिफ्लेटर ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर. ठीक है, ये मैंने अभी आपसे बोला कि इसे इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर का नाम भी दिया जाता है. देखो इम्प्लिसिट आप जानते हैं ना, इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, इम्प्लिसिट का मतलब है जो बिल्कुल प्रूव्ड है. ठीक है, जो एकदम बिल्कुल श्योर है, राइट. तो इसे इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो इन ऑर्डर टू मेजर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास और भी टूल्स हैं, लाइक WPI, CPI, लेकिन कंपैरेटिवली दोस टूल्स जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये ज्यादा कॉम्प्रेहेंसिव टूल माना जाता है. ठीक है, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए. वो कैसे, वो भी हम आगे देखेंगे जब हम एक डिफरेंस पढ़ेंगे जीडीपी डिफ्लेटर, CPI और WPI के बीच में. ठीक है, इसने कहा इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है, ये क्या है, एक इन्फ्लेशन को मेजर करने का तरीका है. नाउ लेट्स सी के हाउ इट वर्क्स. तो देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो क्या लिखा हुआ है, इट इज द रेशियो. ये क्या है, रेशियो. तो जैसे ही हम बात कर रहे हैं रेशो की, तो यहां से हमें फॉर्मूले के बारे में थोड़ी हिंट मिल जाती है. भाई रेशो का मतलब आप बहुत अच्छे समझते हैं, एनी फ्रैक्शन ए बाय बी. ठीक है, तो एक हिंट मिल जाती है कि जीडीपी डिफ्लेटर रेशो तो है. ठीक है, रेशो किसका है, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस इन अ पर्टिकुलर ईयर एट करंट प्राइसेस. इस चीज को ध्यान दें आप. ठीक है, मतलब करंट प्राइसेस पे जितना भी तुमने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया, ठीक है, करंट प्राइसेस पे आउटपुट को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाता है, नॉमिनल जीडीपी. तो मतलब हमारे फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर रेशो है ना, तो एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर है ना. ठीक है, और उसका न्यूमिनेटर क्या है, करंट प्राइसेस का जीडीपी. और करंट प्राइसेस का जीडीपी क्या होता है, करंट प्राइसेस का जीडीपी होता है आपका नॉमिनल जीडीपी. आगे देखते हैं, टू दैट ऑफ प्राइसेस दैट प्रिवेल ड्यूरिंग द बेस ईयर. उस प्राइसेस से मतलब उस जीडीपी से कंपेयर करना जो किस पे कैलकुलेट किया है, बेस ईयर पे. मींस
फ्रैक्शन इज व्हाट, ए बाय बी मींस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमें क्या मिल गया यहाँ पे, न्यूमरेटर हमें मिल गया नॉमिनल जीडीपी और डिनोमिनेटर हमें क्या मिल गया रियल जीडीपी। तो एक फ्रैक्शन का पार्ट हमारे पास कंप्लीट हुआ। तो मतलब इतना आइडिया लग गया हमें कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। ठीक है, आगे देखते हैं द जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या एग्जिबिट करता है, हाउ मच अ चेंज इन जीडीपी रिलाइज ऑन चेंजेस इन द प्राइस लेवल, है ना। मतलब जीडीपी डिफ्लेटर इस बात को दिखाता है कि कितना चेंज होगा, ठीक है, किसके बीच में कितना चेंज होगा जीडीपी में, किसकी वजह से प्राइसेस। देखो नॉमिनल अपॉन में रियल, रियल को बेस में रखने का मतलब क्या है, रियल को बेस में रखने का मतलब है यू वांट टू कंपेयर, है ना। कोई चीज डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि ड्यू टू दिस, है ना, एक्स अपॉन में वाई है तो वाई डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या डिनोट करता है, ड्यू टू दिस फैक्टर। तो रियल जीडीपी को हमने बेस मान लिया, ठीक है, ऊपर हम रखते हैं नॉमिनल जीडीपी ताकि एक्चुअली में हम क्या देख सके, ताकि एक्चुअली में हम ये देख सके कि जो जीडीपी में चेंजेस आए हैं वो प्राइस की वजह से कितने आए हैं, ना कि रियल आउटपुट की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक प्रॉपर मैंने एक केस दिया, इस केस के थ्रू आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट वी मीन बाय जीडीपी डिफ्लेटर। देखो फॉर एग्जाम्पल से इंडिया प्रोड्यूस $2 trillion वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ईयर 2017-18। मान लेता हूं मैंने ये सारी न्यूमेरिकल फिगर्स आपके सामने ब्लू से लिखी हुई है ताकि आप याद रखें, दो ये बिल्कुल ट्रू फिगर्स नहीं है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए है। तो हमने क्या लिखा कि इंडिया जो है, इंडिया ने कितने, इंडिया का जीडीपी कितना आया $2 trillion, ठीक है, कितना आया $2 trillion, ठीक है, कब आया 2017-18 में, ठीक है। फिर जब उन्होंने 18-19 में जीडीपी कैलकुलेट किया तो कितना आया $2.5 trillion, ठीक है। देखो गुड्स एंड सर्विसेज 17-18 में कितने के हैं $2 trillion के, और 18-19 में कितने $2.5 trillion के, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अभी कुछ रियल जीडीपी नहीं, कुछ नॉमिनल जीडीपी नहीं, अब हम डिफ्लेटर के कॉन्सेप्ट को यूज करके पता करेंगे। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात करी थी, उसी एग्जांपल को यहाँ पे दोबारा से सेट करके देखो, ये $2.5 trillion तो आ गया। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मान लो आपको अपनी हाइट बढ़ानी है, आप क्या कर रहे हो, आप हील वाले शूज पहन रहे हो, ठीक है, या अगर कोई भी वुमेन है, कोई भी गर्ल है, वो हील वाली जो भी सैंडल है या जो भी उनके पास जो भी यूज करते हैं वो लोग, वो पहन रहे हो, हाइट बढ़ जाएगी, है ना, ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं क्या रियल हाइट बढ़ी है क्या उनकी, खुद सोच के देखो क्या रियल हाइट बढ़ी है क्या, नहीं। रियल हाइट जो होगी वो कैसे आएगी, आपको कहोगे जी हील उतार दो, हील उतार दो, मतलब हील का जो तुमने एडिशन अपने अंदर ले करके अपनी हाइट को बढ़ाया है, क्या करो उसको एलिमिनेट करो, सो दैट हम रियल हाइट देख पाए। सेम बात यहां $2.5 trillion के साथ है, आपने $2.5 trillion तो बोल दिया कि जीडीपी है, लेकिन अभी हमें पता है एक साल से दूसरे साल में अगर हम आएंगे तो इन्फ्लेशन भी तो होगा, मतलब इस $2.5 trillion में क्या इंक्लूडेड है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। जब मैं उस इन्फ्लेशन को, मतलब उस एक्स्ट्रा हील को एलिमिनेट कर दूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली में इकोनॉमी ने कितना ग्रोथ किया है, या नहीं भी हो सकता ना किया हो, क्या पता जो ये 0.5 ट्रिलियन की ग्रोथ है दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइसेस, राइट। ठीक है, देखते हैं, हमने कहा ऑन द सरफेस इट सीम्स दैट आउटपुट ग्रो बाय 25%। वो कह रहा है अगर आप यहां पे देखोगे, कैलकुलेट करके देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो चेंज आया वो कितने का आया, दैट इज 25% के 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। सेम वही बात कि हील पहन रखी है, हाइट तो बड़ी लग रही है, तो देखने में तो हाइट बड़ी लग रही है, क्या एक्चुअली में है ईयर ऑन ईयर, मतलब एक ईयर से दूसरे में। हाउएवर वही सेम बात, इफ वी अज्यूम प्राइसेस रोज बाय 10%, अब वही बात आ गई ना कि अगर हम ये मान लें कि भाई वो देखने में 5.8 इंच का लग रहा है या 5.8 इंच की लग रही है,
ठीक है, एंड वी वॉन्ट टू नो कि रियल हाइट कितनी है, तो भैया जितने इंचेस की हील है वो हटा दो, सपोज एटली 3 inches की हील है, तो रियल हाइट कितनी हुई, रियल हाइट तो सिर्फ 5.5 inches हुई ना, सो दैट इज दैट कॉन्सेप्ट सेम गोज हियर, तो 10% है फ्रॉम ईयर टू ईयर, है ना, यहां पे मैं इसको भी लिख देता हूं, बाय 10% फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो इसका मतलब क्या है, द डॉलर 2.5 trillion फिगर वुड बी इनफ्लेटेड बाय 10%, isn't it? मतलब वो हाइट जो है मतलब 0.3 inches से 3 inches से क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, राइट, वो जो हाइट है वो क्या हो गई, 3 inches से ज्यादा हो गई है, और वो 3 inches से ज्यादा किसकी वजह से हुई है, बड़ी किसकी वजह से हुई है, वो सिर्फ हील की वजह से, तो वॉट वी हैव टू डू To know the exact height of that person, हम उस हील को एलिमिनेट करेंगे, वही चीज यहां पर कर रहे हैं, तो इन्फ्लेटेड बाई 10% ऑटोमेटिकली वेन कंपेयर टू ईयर वन, दैट इज 2017-18. तो अगर आप इन्फ्लेशन को देख करके बात करते हो तो वहां से यहां तक तो भैया 25% दिखा तो रहा है, लेकिन उस 25% में से 10% तो किसका है, 10% तो एक्चुअली में जो आपका इन्फ्लेशन है उसी का है, तो मतलब इकोनॉमी एक्चुअली कितनी ग्रो कर पाई ईयर वन से ईयर टू में, दैट इज फ्रॉम 2017-18 से 2018-19 में कितना परसेंट ग्रो कर पाई, ओनली 10%, तो रियल जो ग्रोथ हमने ली वो कितनी ली, सिर्फ 10%, विच इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड, और इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज आर रियल जीडीपी, इजंट इट, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, पूरा का पूरा लेक्चर लिया था ना इसके बारे में प्रीवियस वाला, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, अब आप देखते हैं आगे, तो आगे वो कह रहा है, देयरफॉर अगर वो हील को इग्नोर करो, सो देयरफॉर इग्नोरिंग द रेट ऑफ इन्फ्लेशन द इकोनॉमी ग्रू ओनली बाय 15%, उस हील को इग्नोर करोगे तो हाइट एक्चुअली में सिर्फ कितनी है, दैट इज 5.5% ओनली, 5.5 inches ओनली, राइट, सॉरी 5.5 feet ओनली, तो 15% कंपेयरिंग फ्रॉम ईयर 1 to 2, ठीक है, अब देख लेते हैं क्या हुआ फिर, मतलब सो इन द अबव मेंशन, सॉरी दो बार लिख दिया मैंने गलती से, सो इन द अबव मेंशन केस, जो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी है वो तो कितना है, नॉमिनल जीडीपी किसका 18-19 का कितना है, डॉलर 2.5 trillion, लेकिन इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इन्फ्लेशन कितना है, 10%, फिर जब 10% इन्फ्लेशन माइनस करने के बाद डॉलर 2 trillion का 15% निकालेंगे, तब हमें क्या पता चलेगा इकोनॉमी का रियल जीडीपी, तो वो कह रहे हैं सो इन द अबव मेंशनड केस नॉमिनल जीडीपी फॉर द ईयर 2018-19 वुड बी डॉलर 2.5 trillion, है ना, नॉमिनल कितना है 2.5 ट्रिलियन है, ये देखो मैं यहां लिख देता हूं डॉलर 2.5 ट्रिलियन, ठीक है, सो आप देखो नॉमिनल जीडीपी फॉर द ईयर 2019 वुड बी डॉलर 2.5 ट्रिलियन, वाइल लेकिन अगर हम बात करें किसकी, रियल जीडीपी की, ये रियल जीडीपी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बेस ईयर प्राइस पे नहीं है, हमें डिफ्लेटर को एडजस्ट करना पड़ेगा, डिफ्लेटर को सेट करना पड़ेगा ताकि इस नॉमिनल को किस में कन्वर्ट कर सके, रियल में, कैसे करते हैं देखो, तो रियल जीडीपी वुड बी डॉलर 2.3 ट्रिलियन, अभी डॉलर 2.3 ट्रिलियन कैसे आया, हमने कैलकुलेट किया, ध्यान से देखना, डॉलर 2 ट्रिलियन हमारे पास था, ठीक है, इसमें अभी कितना बढ़ गया था ये 25%, लेकिन उस 25% मतलब वो जो 25% है उसमें से क्या माइनस करनी है, हील, हील का मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कितना था 15%, सॉरी 10%, तो 25 में से गया 10, तो एक्चुअल ग्रोथ कितने की है, सिर्फ 10% की, तो डॉलर 2 ट्रिलियन प्लस 15% किसका, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद, दैट इज 10% ऑफ डॉलर 2 ट्रिलियन, तो जब आप डॉलर 2 ट्रिलियन का 10% निकालोगे देन इट विल कम टू डॉलर 2.3 ट्रिलियन, दैट इज द आइडिया, सो इस तरीके से आपका जो डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आपका डिफ्लेटर कॉन्सेप्ट क्या करता है, काम करता है, ठीक है, अब देखते हैं एक प्रॉपर फॉर्मूला,
और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जीडीपी डिफ्लेटर के कि ये किस किस चीजों में आपको हेल्प करता है और सीपीआई से डब्ल्यूपीआई से क्या डिफरेंसेस है, क्यों एक इकोनॉमी जीडीपी डिफ्लेटर पे ज्यादा रिलाय करती है। हाँ जी, अभी मैंने आपको समझा दिया थ्योरेटिकल पूरा कॉन्सेप्ट, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी डिफ्लेटर। तो देखो, जो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर है ना, उसे हम प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। अभी हमने कर ही लिया कि इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर, ठीक है, और आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ा था फॉर्मूला की स्टार्टिंग में, जो मैं थ्योरी पढ़ाई थी उसकी स्टार्टिंग में फॉर्मूला क्या था, इट इज द रेशियो ऑफ करंट जीडीपी, मतलब करंट ईयर प्राइसेस का जीडीपी, दैट मींस नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो फॉर्मूला देखो, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो उस क्वेश्चन में नॉमिनल कितना था, 2.5, और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके कितना आया था, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मींस 108.69%। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर। अब एक चीज आपने याद रखनी है, ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है ना, कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्या होगा, कई बार आपको क्वेश्चन दे देगा जीडीपी डिफ्लेटर की जो वैल्यू है ये आपको गिवन होगी, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी जो है, हो सकता है कि नॉमिनल जीडीपी भी आपको गिवन हो, लेकिन जो रियल जीडीपी है ये आपको गिवन नहीं होगा। आपसे कहेंगे क्वेश्चन में कि भाई रियल जीडीपी निकालो, क्या फर्क पड़ता है, आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमी हमारी करती क्या है, इकोनॉमी हमेशा हमारी नॉमिनल जीडीपी निकालती है, उस नॉमिनल जीडीपी को हम क्या किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, रियल जीडीपी में, जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करके। सो दैट इज हाउ वी यूज आवर जीडीपी डिफ्लेटर। अब कुछ एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को देख लेते हैं। देखो लिखा क्या है, इन दिस वे जीडीपी डिफ्लेटर इज सिग्निफिकेंट। जीडीपी डिफ्लेटर सिग्निफिकेंट क्यों है, बिकॉज व्हेन जीडीपी फॉर टू डिफरेंट ईयर्स आर कंपेयर्ड विदाउट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, वो कह रहा है आपसे कि अगर तुम बिना इन्फ्लेशन को एडजस्ट करे दो अलग अलग ईयर के जीडीपी को इवेल्युएट करोगे, इट कैन प्रोवाइड डिसेप्टिव रिजल्ट्स। ये आपको डिसेप्टिव मतलब फेक रिजल्ट शो कर सकता है, झूठे रिजल्ट शो कर सकता है। कैसे, क्योंकि देखने से, ठीक है, इट सीम्स कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अगर मैं एक्चुअली की बात करता हूं तो एक्चुअली में आप देखो, एक्चुअली में क्या हुआ है, इन अदर वर्ड्स एन इकोनॉमी वाज एक्सपीरियंसिंग प्राइस इन्फ्लेशन। यहां पे आपने ध्यान देना है, प्राइस इन्फ्लेशन, हम प्राइस इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, फूड इन्फ्लेशन भी होता है, इसे हमने मेंशन किया है प्राइस इन्फ्लेशन। तो अगर एक इकोनॉमी प्राइस इन्फ्लेशन को फेस कर रही है तो आपको मॉनेटरी टर्म्स में तो बढ़ी हुई दिखाई देगी, जैसा कि डॉलर 2.5 ट्रिलियन में हुआ कि वो देखने को तो लग रहा था डॉलर 2.5 ट्रिलियन के भैया इकोनॉमी बढ़ गई है। However, that same economy might be exhibiting little to no growth. लेकिन अगर वही मैं उसको रियल टर्म्स में कैलकुलेट करता हूं, तो जब हम रियल टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे तो वो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है या तो बहुत थोड़ी, या तो हो सकता है कई बार ग्रोथ ही ना हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद कोई ग्रोथ ही ना हो, और ऐसा भी हो सकता है जैसे उस केस में हमारे पास हुआ, देखने में इट वाज लाइक के 25% का राइज आया, बट एक्चुअली में कितना था, दैट वाज 15%, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद ग्रोथ चेक करोगे तो यू विल सी कि आपकी जो इकोनॉमी है या तो उसकी ग्रोथ बहुत कम है या फिर ग्रोथ नहीं है, ठीक है, अगर आप क्या करोगे, प्राइस कांस्टेंट रखोगे। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एंड दैट इज हाउ द जीडीपी इज सिग्निफिकेंट टू अस, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट जीडीपी डिफ्लेटर। आप जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ रहे हैं तो इन पॉइंट्स का आपको पता होना बहुत जरूरी है कि ये कैसे कैसे मान लें हेल्पफुल है। एक तो आपके सामने है, बाकी पॉइंट्स अब बढ़ते होंगे टुवर्ड्स। हाँ जी, तो मैंने आपसे कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में हमें पता होना चाहिए, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज आप सोच के देखो, आपने नॉमिनल जीडीपी पढ़ लिया, रियल जीडीपी पढ़ लिया, जीडीपी डिफ्लेटर भी पढ़ लिया। अब आप एक बात खुद से सोच के देखो, कुछ इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते थे कि हमें रियल जीडीपी की कैलकुलेशन करनी चाहिए क्योंकि वो रियल ग्रोथ दिखाता है। कुछ ने कहा नहीं, जो करंट स्टेटस है उस पे कैलकुलेशन करनी चाहिए। उसी का तो एक रिजल्ट निकला ना कि जीडीपी डिफ्लेटर को हमने एक तरह से एज अ टूल, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके एक एज अ टूल हमने निकाला ताकि रियल ग्रोथ शो हो पाए।
आपको क्या लगता है कि रियल इंपॉर्टेंट है या नॉमिनल? तो देखो, रियल हो या फिर नॉमिनल हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? रियल जीडीपी बहुत हेल्पफुल है क्योंकि ये आपको रियल पिक्चर शो करता है उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि आपने बनाए बाय मल्टीप्लाइंग देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस फ्रॉम द ईयर ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, जिस ईयर से कंपेयर करना है। लेकिन आप एक बात सोच के देखो, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इफ के कोई नया गुड और सर्विस आ गया, अब इस केस में आप क्या करेंगे, आप किस बेस ईयर से मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि एक बेस ईयर जिसके प्राइसेस से वी वर मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो तो उस टाइम पे था ही नहीं। उस टाइम पे आप क्या करोगे, एंड दैट इज द रीजन जीडीपी डिफेक्टर इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा रियल से सारी पिक्चर ठीक ही आ जाए, है ना, क्योंकि बहुत सी सर्विसेज, बहुत से गुड्स हर साल नए इन्वेंट होते हैं। तो अगर मैं बेस ईयर से मल्टीप्लाई करने की सोच भी देता हूं तो फिर फायदा क्या होगा? इससे तो कोई फायदा ही नहीं होगा ना, क्योंकि उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजी या उस टाइम पे वो पर्टिकुलर सर्विस अवेलेबल ही नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज भी हमें याद रखनी पड़ेगी साथ में कि नॉमिनल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जब जीडीपी डिफ्लेक्टर इज द प्राइस इंडेक्स, ये पता ही आपको, दैट मेजर्स इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब एक नया वर्ड हमारे सामने आ रहा है, डिफ्लेशन। What do we mean by deflation? Deflation जो है एक condition होता है opposite to reverse of inflation, जिसमें prices fall होते हैं। Eventually ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कभी आपको दिखाई देगा कि economy deflation के अंदर जा रही है, कि सारे prices fall हो जाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता, right? ठीक है, बाकी inflation और deflation के ऊपर एक अलग से lecture अभी मैं बनाऊंगा तो वो अपलोड कर दूंगा, उसमें सारे केसेस कहाँ कहाँ पे अब तक इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे कैसे कंडीशंस में हो सकता है, वो अलग लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, क्योंकि देखो प्राइस बढ़ना हो चाहे प्राइस घटना हो, नॉमिनल तो दोनों से अफेक्ट हो जाएगा। मान लो हमने कहा कि भैया 15% का 10% का इन्फ्लेशन हुआ था, व्हाट इफ प्राइसेस फॉल हो गए होते, तो भी तो जीडीपी में फर्क पड़ जाता, और करंट प्राइसेस तो पहले प्राइसेस से हो सकता था कि बेस के प्राइस से कम हो जाए। तो इसीलिए जीडीपी डिफ्लेटर आपको इस प्राइस के होने वाले चेंजेस को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, द जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मोर कॉम्प्रेहेंसिव इन्फ्लेशन मेजर। ये एक ज्यादा कॉम्प्रेहेंसिव मेजर है क्योंकि WPI, CPI, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये भी एक बहुत ज्यादा, जिसे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टूल होते हैं किसी कंट्री में इन्फ्लेशन को जानने के लिए। लेकिन हमेशा इनका रिजल्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का हमेशा रिलायबल नहीं होता, क्योंकि कुछ फिक्स्ड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होता है बस, ठीक है। हर चीज को जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है हर गुड को कवर नहीं करता, यहाँ पे लिखा है ना मैंने, एज इट इज नॉट बेस्ड ऑन फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि जीडीपी पूरे कॉम्प्रेहेंसिव है, वो हर तरह के गुड्स हर तरह की सर्विस कंक्लूड करेगा। लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें कुछ एक पैटर्न है, कुछ फीड किया हुआ है, मान लो कि भैया इतने बास्केट लूंगा इतने ही लूंगा, तो ऑब्वियसली बात है ये एक पार्शियल इमेज दिखाएगा, क्योंकि बाकी जो गुड्स और सर्विसेज उस बास्केट के बाहर होंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, ये उनको काउंट नहीं करेगा। इससे हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर एक कॉम्प्रेहेंसिव, क्योंकि पूरी इकोनॉमी में हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज काउंट करता है। नेक्स्ट, ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि जीडीपी डिफ्लेटर आपको तब भी काम में आता है जब लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजों की कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट या कोई नई चीजों की इंट्रोडक्शन होगी, लेकिन सीपीआई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो तो फिक्स है, वो तो किसी एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन पे बेस्ड है, उतने पे ही रहने वाला है, उसमें चेंजेस को अलाउ नहीं करता वो, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये, ध्यान से देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है ना, वो उन गुड्स को भी काउंट करता है जो आपकी कंट्री में हो चाहे कंट्री के बाहर बने हो, ठीक है। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर जो है ना, वो सिर्फ उन चीजों को काउंट करेगा जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं, सिर्फ उन चीजों को। जैसे आईफोन है, मान लेते भी प्लांट प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ इंडिया में, ठीक है, आईफोन यूएसए से आ रहा है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, यूएसए से आ रहा है, उसके प्राइस में कोई चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसको भी काउंट करेगा अगर वो उसके बास्केट में है तो। क्यों? क्योंकि उसको मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज से जो कंज्यूमर खरीद रहा है, फर्क नहीं पड़ता कि वो कंट्री में बनाए कंट्री के बाहर बनाए। और ये तो है ही क्या, ग्रॉस, ये आपके पास जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
है ना। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे सिर्फ कौन सी चीजों को देखा जाएगा, वो गुड्स जो कि किस में बने होंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी में बने होंगे। अगर कोई गुड्स बाहर से बन के आता है, उसके रेट में चेंजेस आते हैं, कुछ भी होता है, उसका जीडीपी डिफ्लेटर कुछ नहीं कर सकता। जीडीपी डिफ्लेटर सिर्फ उन गुड्स के ऊपर कैलकुलेशन करता है जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होते हैं, जबकि सीपीआई ऐसा नहीं करता। सीपीआई उन गुड्स को भी लेगा जो कंज्यूमर के फिक्स बास्केट में अगर आते हैं, बाहर से आ रहे हैं तो उनको भी काउंट करेगा, राइट। सो आई होप आपको अब नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर एज अ मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर था जीडीपी से एसोसिएटेड, ठीक है। अभी आपको दिस डॉट टू रन, एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास 5 लेक्चर कंडक्ट होंगे जिसमें हम बात करेंगे जीडीपी से एसोसिएटेड एक एक माइन्यूट डिटेल्स की, ठीक है। अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है कि करंट इंडिया का जो जीडीपी कैलकुलेशन तरीका है वो कौन सा है। जीडीपी आप जब न्यूज चैनल देखते हो, कई बार लिखा हुआ आता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, बेसिक प्राइसेस। तो हमें ये भी समझना है कि वो बेसिक प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, ठीक है। बिसाइड्स दैट हमें ये भी समझना है कि जीडीपी कैसे किसी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, कैसे किसी ये एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट जीडीपी से जुड़ी हुई है। प्लस आप जानते हो कि कभी भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, जैसा कि फिलहाल भी थोड़ा स्लो डाउन आ गया है, रिसेशन आ चुका है, तो ये स्लो डाउन का मतलब क्या है, रिसेशन का मतलब क्या है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको कहा था। तो यहाँ तक का लेक्चर आपको होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि उसी से जितना आप मेरे वीडियोस को देखेंगे, शेयर करेंगे, व्यूअर्स बढ़ेंगे, उसी से मुझे पता चल पाता है कि मेरा आप मुझे क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और उन्हीं रिस्पॉन्स के बेसिस पे मैं और ही ज्यादा अच्छे कंटेंट को आपको सर्व करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।